दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये पूरा कोर्स क्या होने वाला है. नाउ आई कीप इट ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों में से जिनके भी कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी प्रकार के आप पूछ सकते हैं. मैडम. हाँ जी सर. आई हैव गॉट जस्ट टू क्वेश्चंस. फर्स्ट थिंग, आपने एक और कोर्स करवाया था जीबो सिंबल्स पे. राइट. जीबो सिंबल्स पे तो उसमें जैसे रोग निवारण के लिए एक रिलीज रिलीज दिया था आपने, रिलीज वाला. मैं क्या एक यंत्र ऐसा यूज कर जो रोग मेरा दूर करे और रिलीज के साथ भी क्या वो रीइंफोर्स होगा? जी सर, वो होगा, बिल्कुल होगा सर. और सेकंड क्वेश्चन इज, आपने पेपर और भोजपत्र का तो बता दिया, आप डिटेल में बताएंगे आई नो, लेकिन मान लीजिए मैंने यंत्र ऐसे भी देखे जो कॉपर पे करते हैं, तो कैन वी डू इट आवरसेल्फ? क्योंकि कॉपर में तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग, मतलब प्रिंट नहीं कर पाएंगे. Yes, sir. We'll be doing it ourselves only and we'll be practicing it on paper and bhojpatra because देखिए जितनी भी metallic चीजें होती हैं वो आप अपनी intention उसमें कैसे डालेंगे. आपको main क्या करना है, आप जैसे आप as healer, as light worker या astrologer, जो भी आप जिस भी field में grow कर रहे हैं उस फील्ड में आपको अगर अपना नाम क्रिएट करना है, जैसे कि आप अभी पूछ भी रहे थे इन द बिगनिंग कि लोग हमसे क्यों लेंगे, तो वो आपसे सिर्फ इसलिए लेंगे क्योंकि आपकी इंटेंशन शुद्ध है, आपकी एनर्जी शुद्ध है, तो इसलिए ये चीज आप स्वयं बनाएंगे. अच्छा, नहीं मैं समझा नहीं मैडम, कॉपर में क्या हम लोग बनाएंगे? नहीं सर, हम कॉपर में नहीं बनाएंगे, हम भोजपत्र और प्लेन पेपर का करेंगे. अच्छा अच्छा, ओके ओके मैडम, ओके ओके, थैंक यू मैडम. ये जो हमारा कोर्स है, दिस इज गोइंग टू बिगिन. आज का जैसे ओपन सेशन था, नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स इट विल बी, वी विल बी मूविंग ऑन टू कंप्लीट क्लासेस. आपको, आप लोग सब आई गेस ग्रुप में है यंत्र मेकिंग के, एक बारी आपको इसमें पूरे फी डिटेल्स वगैरह दे दिए जाएंगे. और उसके अलावा आप लोग अपने आप को एनरोल करा सकते हैं सो दैट वी मूव अहेड विद द स्मूथ रनिंग ऑफ क्लासेस. मैम प्रणाम. प्रणाम. हाँ मैम, एक क्वेश्चन था कि जैसे हम, आपने बताया कि यंत्र बनाते हैं, बना भी देते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पे नहीं है, फॉरेन है या विदेश है, तो क्या हम उसको वैसे फोन पे दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं उसके लिए? क्योंकि इंटेंशन ही जो प्योर होती है, लेकिन हम अगर भेज नहीं सकते, कोई आता जाता है तो भेज सकते, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आप उन्हें स्कैन करके देंगे और जो आपने ओरिजिनल बनाया है उसको धूप दीप फिर आप दिखाएंगे. ओके. अच्छा, मतलब वो ये ऑप्शन है हमारे पास कि हाँ, कर सकते हैं. ये ऑप्शन होता है हमेशा कि आप उन्हें स्कैन करके भेज दीजिए, वो वहां उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे लैमिनेट करवा के अपने पास रख के, और धूप दीप वो उस कॉपी की करेंगे और आप यहाँ से ओरिजिनल की करेंगे जब तक उनका वो काम पूर्ण नहीं हो जाता. हाँ, ये हम क्लाइंट को भी दे सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि उनके घर के तो कोई ना कोई यहाँ पे ये होगा ही होगा, तो उनको भी हम बोल सकते हैं. हाँ, उनको आप कह सकते हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य हो तो उन्हें आप कह सकते हैं. थैंक यू मैम. एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैम. हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना है कि जब भी हम ये बना के रखेंगे यंत्रास, तो इन्हें कब कब क्लीन या फिर चार्ज करना होता है? कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जो करने रहते हैं? नहीं देखिए डॉली जी, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि ये जितने भी यंत्र हैं, जब तक, और मैंने आपको अपना भी एग्जांपल दिया था कि जब तक हम अपने क्लाइंट को हैंड ओवर नहीं करते तो उनको डेली बेसिस पे धूप दीप दिखाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि वो चार्ज रहे.
और फिर इनके बिहाफ पे मंत्र चैंटिंग भी हम करते हैं। जैसे आप धूप दीप दिखाते हुए जो मंत्र चैंटिंग है वो हम खुद करेंगे और उनको देने के बाद उनको देने के हाँ वो खुद करेंगे। मतलब आप उनको ये चीज बोलेंगे कि मिनिमम 11 बार तो वो मंत्र चैंटिंग करेंगे और धूप दीप वो दिखाएंगे। तो इसमें जैसे जैसे आप यंत्र पढ़ते जाएंगे तो इसमें काफी सारे यंत्र हैं क्योंकि, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा देना है। बिकॉज देखिए कोई भी क्लाइंट आता है तो उसकी एक परेशानी नहीं होती, उसकी बहुत सारी परेशानी होती है। अब कई बार हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट का दे दें, फिर कई बार एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बने होते हैं यंत्र, तो उसमें आके फिर लगता है कि अरे ये भी दे सकते हैं ये भी। तो आपके पास वो ऑप्शन भी रहता है कि आप 3 से 4 यंत्र एक इंसान को दे सकते हैं। ओके मैम, लेकिन उनको मतलब डेली क्लीन चार्ज करना ही रहेगा ना, यंत्र उसको डेली करना रहेगा। डेली देखिए डेली उनको यही है धूप दीप दिखा के और मंत्र चैंट कर ले, और 11 बार मिनिमम है तो 11 बार में टाइम ज्यादा लगता नहीं है जी। ओके थैंक यू मैम। मैडम मैडम जी सर, इस क्वेश्चन है वन क्वेश्चन की, मान लीजिए कोई यंत्र क्या मतलब जस्ट रखने के लिए देंगे ना, कोई यंत्र पहनने वाला भी होगा, यदि पहनने वाला हुआ तो हम कैसे उसको चार्ज करेंगे? धूप मुंह तो नहीं दिखा पाएंगे खुद अपने बॉडी पे जो होगा, तो नहीं सर उसे भी हम चार्ज करते हैं, उसे हम चार्ज करते हैं अपनी इंटेंशन से। पहनने वाले यंत्र यस ऑफ कोर्स होते हैं पहनने वाले यंत्र, बस उसका डिफरेंस क्या होता है कि वो हम जिस जैसे तावीज होती है उस प्रकार से डाल के और उन्हें सील करके देते हैं। ये एम्यूलेट्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। yes. तो उसके अंदर आप वो भोज पत्र पे लिखा हुआ यंत्र डालेंगे और उसे आप चार्ज करेंगे। उसके बाद वो लोग कैसे चार्ज करेंगे, धूप दीप वो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते लेकिन अपने हाथ से ऐसे कर सकते हैं वो, तो उससे वो चार्ज करेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू चैंट द मंत्र। ओके ओके मैडम, ओके थैंक यू। क्योंकि ऐसे कई यंत्र हैं जो हम लोग गले में डालने के लिए भी बोलते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए जो यंत्र बनता है वो फिर बच्चे अपने गले में डालते हैं, क्योंकि ऐसे प्रिंटेड यंत्र उन्हें ले जाना अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो तावीज फॉर्म में फिर भी कुछ लोग अलाउ कर देते हैं तो वहां पे तावीज फॉर्म में लेके जाते हैं। एंड सेम इज विथ कोर्ट केसेस ऑल्सो, के कोर्ट केसेस के केस में भी हम उनको जो यंत्र देते हैं हम ज्यादातर गले में ही डलवाते हैं फिर। विवेक जी आपका मैडम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम ये बनाते हैं, किसी अपने क्लाइंट को देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई होती है, क्योंकि ये 100% तो कुछ है नहीं है ना इसमें। देखिए 100% कुछ भी नहीं है, आप एक बहुत सिंपल सी बात समझिए ना, आपने क्लाइंट को दिया, आपने उन्हें डूज एंड डोंट्स बता दिया, वो कितना फॉलो कर रहे हैं कितना नहीं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि कई हाँ जी क्योंकि वो तो उनको तो एक्चुअली क्या ना कि आजकल ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो तो पे कर रहे हैं उसके लिए, बाई चांस उसका उनका काम नहीं होता या कुछ है तो फिर वो मोल्ड भी तो करनी है ना चीजें। नहीं देखिए होता क्या है, मैंने आपको ये चीज बहुत स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ऐसा नहीं है कि विपदा नहीं आएगी। अगर सपोज मैंने बृहस्पति जी का यंत्र रखा या मैंने केतु देव का यंत्र रखा, क्योंकि केतु देव की दशा चल रही है या ऐसे भाव में है केतु देव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केतु देव हमेशा बुरा ही करेंगे या केतु देव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो सकता है कि वो किसी और फॉर्म में कुछ हो जाए, जैसे केतु देव अगर लोअर बॉडी में प्रॉब्लम देते हैं तो वो वहां स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करते हैं, तो हो सकता है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको ब्लेस कर जाए या बचा जाए। हाँ जी हाँ जी, तो ये चीजें मैटर करती हैं, बिकॉज देखिए ये जैसे जैसे आप सीखेंगे इस चीज को
तो आप ये चीज समझेंगे भी कि जब आप अपने क्लाइंट को देंगे, सपोज आज मैं अपने क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर प्लैनेट का देती हूँ, किसी के ऊपर बहुत कर्जा है तो उससे रिलेटेड मैंने उन्हें यंत्र बना के दिया, तो उनको मैं ये चीज हमेशा स्पेसिफाई करती हूँ कि समय लगता है, कोई भी कार्य आपका शीघ्र नहीं होगा कि आप सोचे एकदम हो जाएगा, आज मैंने यंत्र दिया और हफ्ते के अंदर कर्जा मुक्त हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं है, उन्हें अपने कर्म तो करना है। जैसे भी आपने बताया एग्जाम के लिए किसी, क्योंकि एग्जाम तो फिर एग्जाम ही है ना, वो तो बाद में नहीं आएगा, वो तो अब परसों या हफ्ते बाद 10 दिन बाद है। उसके लिए तो आपको ये चीज जरूर बोलनी पड़ेगी कि देखिए आपके मेहनत के साथ एक ये पुश फैक्टर जुड़ जाएगा कि आप अगर मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, लगन पूरी है आपकी, तो एक ये पुश फैक्टर रहेगा कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अब आप ये मान लीजिए आपके क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी एग्जाम में बैठना है, पता लगे नीट के एग्जाम में बैठना है और क्या है बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है, तो उस केस में यंत्र काम नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं। मतलब ये मेरे साथ, मैं आपको बताऊं पर्सनली होता है, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो यंत्र बनवाने के लिए बोलते हैं और मेरे हाथ नहीं चलते, अंदर से मेरे को गाइडेंस ही नहीं आती कि इस बच्चे को मैं यंत्र दे दूं, तो मैं वो नहीं आती है, तो मैं उन्हें फिर हाथ जोड़ के मना ही करती हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे वो गाइडेंस नहीं मिल रही, शायद इनकी दिशा कुछ और है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलर यंत्र के लिए है कि कोई पर्टिकुलर काम के लिए आता है कि मेरा, देखिए पर्टिकुलर काम के लिए जब भी होता है, जैसे हम कोर्ट केस का देते हैं या हम इसका देते हैं, तो उनके एफर्ट्स और इंटेंशन पे बेस्ड हम बनाते हैं। अब कोई आपको आके बोले कि जी मेरा कोर्ट केस चल रहा है, वो इंसान खुद सच ना बोल रहा हो, आपने तो उसको सच मान के यंत्र बनाया, आपने अपना कर्म सही किया, लेकिन अगर सामने वाले की ही इंटेंशन सही ना हो तो फिर रिजल्ट्स मुश्किल हो जाते, तो हम उस केस में पहले ही बोल के चलते कि ये आपको सही दिशा की तरफ पुश करेगा। ठीक है, और इसका अपने ऊपर कितना नेगेटिव हो सकता है? देखिए अगर आपने सही और गलत जानकर सही इंटेंशन से किया तो वो सही रहेगा, कार्मिकली आपने अपने लिए नहीं कुछ ऐसा किया, लेकिन अगर सपोज आपने किसी को गैम्बलिंग के लिए बना के दे दिया धन वृद्धि, तो गैम्बलिंग में पहली चीज तो धन वृद्धि काम ही नहीं करता, बिकॉज हम लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, उनका हम मंत्र चैंट करते हैं, तो वहां तो वो काम नहीं करेगा। जी, जी। तो इसलिए यंत्र आप हमेशा अपने क्लाइंट की बात को समझ के बनाएंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आपके पास इसके डिटेल नोट्स भी रहेंगे, आप वो वॉर्न करके ही देंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ में दोगे आप? हाँ, इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे और उसके अलावा जितने भी सेशंस रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी रहेंगी, उसमें आपके सामने जैसे आज था स्लाइड शो रहेगा और मैं आपको समझाती रहूंगी। जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें आप और मैं एक साथ बैठ के यंत्र बनाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सेशन रखती हूँ उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि हम सब सेम पेस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये मंत्रों पे बेस्ड है या नंबर्स पे? देखिए इनमें से कुछ यंत्र नंबर्स पे बेस्ड है, कुछ मंत्र पे बेस्ड है और कुछ में वर्ड्स है। जैसे गणेश जी के यंत्र कुछ ऐसे हैं जिनमें उन्हीं के अलग अलग नाम हैं, लक्ष्मी जी का यंत्र है तो उनमें उन्हीं के बीज मंत्र हैं, वो इस प्रकार से है। और इसको बनाने का एक फॉर्मेट भी है कि आप लिखेंगे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में, क्योंकि ना आजकल सबको यूनिक चाहिए होता है, अब कोई भी मंत्र लिख के दे देंगे ओम श्री गणेश नमः, वो कहेगा वो तो ये तो लूट लिया। नहीं, वो चीज नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हाँ मैं समझती हूँ इन सब चीजों को, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, तो वो चीज तो आप दे ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको मैंने जितने यहाँ पे एक दो सैंपल्स दिखाए यंत्र के, तो वो आप खुद देखेंगे जो प्लैनेटरी यंत्र हैं वो तो सब जगह आपको एक जैसे मिलेंगे। जैसे ये सिंपल सा है, एक विवाह यंत्र है, इसमें आप देखेंगे तो आपको नंबर्स भी मिलेंगे और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्ष्मी जी का भी लिखा हुआ है,
ये क्लेम लिखा हुआ है यहाँ पे लक्ष्मी जी का, ये देखिए है ना, तो फ्रीक्वेंसीज हम सबकी देख रहे हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंसिडर करेंगे, और एक पर्टिकुलर डायग्राम को क्यों ऐसे बनाना है, उसमें क्यों ये लिखना है, ये सब आपको पता रहेगा तो आप अपने क्लाइंट को बता पाएंगे वो चीज। हाँ जी, तो जैसे ये विवाह का दिया आपने, किसी की एस्ट्रोलॉजिकली अब ऐसा बन रहा है कि सूर्य शनि बैठ गए साथ में घर में आके, तो उनका तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि सेवंथ हाउस अफेक्टेड हो गया पूरी तरह से, उनको तो सारे मना कर देंगे कि शादी करो ही मत, और कोई ये भी बोल देगा एस्ट्रोलॉजर कि शादी होते ही किसी एक बंदे की डेथ हो सकती है, मृत्यु है ना, हो सकती है। तो फिर उसमें ये अगर हम यंत्र बना के देते हैं तो उसको कितनी टाइमिंग देंगे हम कि इतने टाइम में हो जाएगा ऐसा? देखिए, अगर आप ये जानते हैं कि ऐसी कंडीशन बन रही है एस्ट्रोलॉजिकली, तो मेरे हिसाब से तो आपको भी फिर यंत्र नहीं रेकमेंड करना चाहिए उनको, क्योंकि वहां आप किसी के प्राण संकट में डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कार्मिक दोष आप क्यों लेंगे? ये शीघ्र विवाह यंत्र उन लोगों को दे रही हूँ जिनकी दशाएं चल रही हैं, जिनकी हाँ जिनकी दशाएं चल रही हैं और ठीक, और जिनके इसमें हाँ हॉरोस्कोप ठीक ठाक है, विवाह का योग भी बनने को है, लेकिन किसी ना किसी वजह से बार बार हर्डल्स आ जाते हैं। और जिनकी कुंडली ना हो, कुंडली ना हो तो आप उन्हें बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है यंत्र के लिए, बिकॉज कुछ यंत्र ऐसे हैं जिसमें इसकी नॉलेज रिक्वायर्ड ही नहीं है। और कुछ बेसिक्स तो मैं आपको साथ साथ ही बताती चल रही हूँ, जैसे अभी सूर्य यंत्र के लिए मैंने आपको बताया कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए, अगर वन नंबर आ ही नहीं रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इनके सूर्य का, बिकॉज सी हमारी डेट ऑफ बर्थ ही हमारे प्रारब्ध को बताती है जी, तो जी। अगर आपको किसी का प्रारब्ध पता है तो आप उसकी सहायता तभी कर पाएंगे जी। वन नंबर नहीं है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो गया इंसान, कॉन्फिडेंस लो हो गया, फादर के साथ रिलेशनशिप खराब है, फिर सोशल सर्कल में नाम नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हमें खुद ही पता चलती हैं। तो ये सेशन में आप सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि यंत्र क्या है, यंत्र कैसे बनाना है, आप उसके अलावा बहुत सारे बेसिक चीजें सीखेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। जैसे अभी आप लोगों को मैं नॉर्मल ही उसमें बता रही हूँ कि सूर्यदेव के उसमें एक नंबर हम देखते हैं, तो उससे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे उस इंसान के, कि उसे ये पर्टिकुलर यंत्र की जरूरत है या नहीं, ये जानेंगे। तो इसके जॉब के लिए भी काम आएगा फिर। हाँ, क्योंकि ये चीजें आपको पता होंगी तो ही आप बना पाएंगे जी। जी, ये तो है। तो ये कितने दिन का कोर्स? ये देखिए, वीकली 2 क्लासेस रहेंगी आपकी, ट्यूजडे एंड थर्सडे, और 2 मंथ्स के ड्यूरेशन का कोर्स है, बिकॉज यंत्र काफी सारे हैं, आपने खुद देखा। हाँ जी। और विद प्रैक्टिस और विद प्रैक्टिकल है, तो हम इसको करेंगे भी और सीखेंगे भी साथ मिलके, तो ये जर्नी हमारी 2 मंथ्स की रहेगी बेसिकली।